So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kalpana from Hazaribagh Medical College. आज का वीडियो होने वाला है कि हम सब लास्ट डे हॉस्पिटल विजिट पे गए थे. जैसा कि हमने बताया था पहले भी वीडियो में कि हमारा 15 दिन का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो उसी में बहुत सारा जैसे कि हॉस्पिटल विजिट और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं, लेक्चर हॉल, म्यूज़ियम और लैब, ये सब का विजिट चल रहा था. और तो इसीलिए आज का शेड्यूल था कि हमारा आज हॉस्पिटल विजिट था, तो इसलिए मैं सुबह उठी और जल्दी से रेडी हो गई. मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया था, बट आई जस्ट मैनेज्ड एवरीथिंग. एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट में हमें मिला बनाना और क्या बोलते हैं सैंडविच चाय के साथ, और इसके बाद हम सब चल दिए. तो हमारे हॉस्टल से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस है, चल के थोड़ा जाना पड़ता है. और ये सब हैं हम सब गर्ल्स, तो जैसे कि हमारे कॉलेज के लिए दो बस हैं. पहली बात तो जो हमारा हॉस्पिटल है और लेक्चर जहाँ पे चलता है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसमें काफ़ी डिस्टेंस है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का. तो इसलिए हमें अपने हॉस्पिटल विज़िट करने के लिए अपने ही कॉलेज के बस के थ्रू जाना पड़ता है. और हमारे यहाँ दो बसें हैं, जिसमें कि एक बस में पूरी की पूरी गर्ल्स आ गई थी और दूसरी बस में पूरे बॉयज़ आ गए थे. उसके बाद दोनों की जगह पे मतलब एक मैम थी जो हमें बता रही थी कि कौन सा जगह पे क्या है. और हमारी फ्रेंड भी थी एक जो यहीं की लोकल है हज़ारीबाग की, तो वो हमें हर गली का और हर जो मुहान होता है वगैरह वगैरह चौक का नाम बताते जा रही थी और क्या चीज़ है फेमस. ये है हज़ारीबाग का झील, और जो कि यहाँ का मतलब बहुत ही अच्छा लगता है. इस झील की वजह से हमें कभी भी गर्मी ज़्यादा फील नहीं होता. और उसके बाद हम सारे गर्ल्स मस्ती करते हुए, और एक है जो वीडियो बना रही है और दूसरे अंजलि ध्यान दे रही है देखने में, और कनक है बताने में कि कौन सा जगह को मतलब कौन सा जगह क्या है और किस लिए फेमस है. तो उसके बाद हम जा रहे थे, रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था, इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था. मुझे लगा था कि हज़ारीबाग हाँ छोटा सा ही होगा, बट इतना ठीक है जितना भी है, लाइक दिस मस इज एनफ. और उसके बाद फिर हम पहुँच गए धीरे धीरे मेन मार्केट में. वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट होते हुए, थोड़ा देर इंतज़ार करते हुए हम अपने हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं. और ये है विशाल मेगा मार्ट, जिसमें हम दो बार शॉपिंग करने आ चुके हैं अब तक, क्योंकि शुरू में ही जब हम आए थे तो हमें हम लोगों को पूरे गर्ल्स लोग को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो हम लोग सारे ग्रुप्स बनाकर और मार्केटिंग करने आए थे. यहाँ से सारे मतलब ये कार जो लगा हुआ है वहाँ से आप कार रेंट कर सकते हैं. और उसके बाद ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से हॉस्पिटल का, बट थोड़ा टाइम लग जाता है, 5 मिनट का तो डिस्टेंस लग ही जाता है. और हज़ारीबाग थोड़ा सा क्राउडेड एरिया ही है, जस्ट लाइक माय होम टाउन. और उसके बाद हम सब चले जाते हैं हॉस्पिटल. पहुँचने के बाद आज हमारे जो हॉस्पिटल विज़िट हुआ वो पूरा नहीं हुआ, बट फिर भी अंदर जाने के बाद मैं ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैम जैसे बताते जा रही थी कि कहाँ पे टीका होता है, कहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है, कहाँ पे 24/7 दिखाया जा सकता है, मतलब डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और कहीं TV, HIV ये सब का जाँच घर होता है, कहाँ पर बेबी डिलीवरी एंड ऑल ये सब जो होता है, गायनिकोलॉजिस्ट कहाँ पर है. तो ये सब मैम दिखाते जा रही थी, तो मैं ज़्यादा वीडियोस तो नहीं दी हूँ आगे में, लेकिन हाँ आपको मिल जाएगा. और उसके बाद तो अगर कभी भी किसी भी स्टूडेंट को हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज अगर अलॉट होता है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है.
आपको हर एक चीज़ मतलब धीरे धीरे करके तुरंत से नहीं, हमारे चैनल पे सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ पे देखकर आराम से अपना डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि जब मैं खुद यहाँ पे अलॉट हुआ था, मेरा खुद ये कॉलेज अलॉट हुआ था, तो मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेना था और मैं यूट्यूब पर सर्च किया करती थी तो उतना नहीं मिलता था प्रॉपर। अब हम हॉस्पिटल आ चुके हैं और बॉयज़ बैच का ऑलरेडी क्या बोलते हैं बस पहुंच चुकी थी, तो यहाँ पे आ रहे हैं दो और टीचर्स जिसको मिलते हैं प्रोफेशनल बोल सकते हैं, तो वो आए। इधर से टीवी का टीकाकरण होता है और यहीं से हमारा हॉस्पिटल का मतलब सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। उधर साइड में क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी को भर्ती करवाना है तो ये सब हो गया। वैसे भी क्या बोलते हैं हॉस्पिटल भी बहुत ही क्राउडेड लगा मुझे। मौसम तो बहुत ही अच्छा था नो डाउट, और हॉस्पिटल के बाहर में थोड़ा ग्रीन करके कुछ एक छोटा मतलब गार्डन बना हुआ है, हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था तो हम क्राउड में चल रहे थे तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं गया। बट ठीक है, एक दो बार और जाते जाते हमें पता चल जाएगा कि हमारा हॉस्पिटल कैसा है। फिर उसके बाद हम सब जब लास्ट में आने लगे थे तो एक ग्रुप फ़ोटो का सेशन भी हुआ था, और उसके बाद हम सब ये था रेडियोलॉजिस्ट विभाग, और उसके बाद हम सब धीरे धीरे करके हर जगह ही जा रहे थे। और उसके बाद सारा मतलब जैसे मैंने बोला ना कि मैं ये हॉस्पिटल का बाहर से व्यू, तो जैसा कि मैं बोली कि मैं सब चीज़ों का वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करी थी, जो प्रॉपर मुझे लगा कि हाँ बस यहाँ से स्टार्ट होता है तो वो। अब ये था ओपीडी का वार्ड जिसमें हम एंट्री करते हैं, और हर एक चीज़ का ईएनटी से लेकर ईसीजी और जो भी चीज़ है तो सब का था। उसके बाद हम वापस आ गए, वापस आते टाइम मैं लास्ट में जा